परमेश्वर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग जानकारी देंगे आज की आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। अधिकतर लोग जहां पर गलती करते हैं वो गलती क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि जेडन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर कोई लिख सकता है, लेकिन जेडन डाई पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती हो जाएगी। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, लेकिन कॉपर डाई पॉजिटिव में गलती हो जाना निश्चित है। तो ये बहुत सारी गलतियां जो हम लोगों से ना हो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हम लोग गलती न करें जिससे कि हम लोगों को इसमें नंबर मिल सके। तो इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए जिंक डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, तो हम लोग एक एक एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाता है, 2s2 हो जाता है, 2p6 हो जाएगा इसके बाद, यानी कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 2p6, यहाँ पर 3s2 हो गया, यहाँ पर 3p आपका यानी 3p6 हो गया, और यहीं पर आप लिख लीजिए इसके बाद 3d और 4s। तो अगर जिंक में देखते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका 30 होता है, ठीक है। 30 एटॉमिक नंबर में 2 यहां लिखेंगे और 10 यहां लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब जिंक डाई पॉजिटिव, यानी जब भी पॉजिटिव कहीं पर लगा हो तो इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब हुआ कि हम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट जो शेल होगी, जो आउटर बाहर की तरफ जो शेल होगी, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकालिएगा तभी आपको फायदेमंद होगा। यानी कि हम इनको भी टच नहीं करेंगे, हम इनको भी टच नहीं करेंगे, 4s को जीरो कर देंगे। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 हो जाएगा। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो गलती करते हैं वो ये होती है कि यहाँ लिखते हैं 4s2, यहाँ लिखते हैं 3d10, और जब उनसे कहा जाता है +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 4s2 कर देते हैं और 3d8 कर देते हैं, ये गलत हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि गलती हम लोगों से ना होने पाए किसी भी कीमत पर। अब जैसे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है तो 1s2 हो गया, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 3d आपका 10 और 4s1 हो गया। तो यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने नोट कर रखा है कि हम लोग यहां पर डाई पॉजिटिव, पहले तो एक पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। जब एक पॉजिटिव करना है इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s0 हो जाएगा। ये जो तरीका होता है, जैसे कुछ लोग अभी आपको सिखाएंगे कि 30 होता है जिंक का, 2 घटा दो इसका मतलब 28 का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ये बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। अब आप करिए, कॉपर डाई पॉजिटिव में आइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 हो जाएगा और 4s0। तो ऐसी कंडीशन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सोच समझ के लिखा करिए, नहीं तो गलतियां आपसे लगातार होती रहेंगी, है ना। बढ़िया जानकारी, तो ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव का लिख लेते हैं। स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव का लिखते समय हमें लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और देन 4s। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें नोट करें कि भैया 3 प्लस है ना, तो इसका मतलब पहले तो स्कैंडियम का लिखना है, 4s2 3d1 होता है स्कैंडियम का। देखो 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18 19 20 21, 21 होता है ना। अब हमें 3 प्लस लगाने हैं तो यहां पर भी 0 कर देना, पहले यहां 0 करना फिर यहां पर 0 करना, अपने आप सेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s के निकालें। अब 4s के इलेक्ट्रॉन पहले क्यों निकालें, ये भी क्वेश्चन आता है। जिसकी एनर्जी हमेशा जो शेल बाहर की तरफ होती है, इलेक्ट्रॉन उसी से निकाले जाते हैं, और दूसरी बात है उसकी एनर्जी भी कम होती है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा तब हमारा काम चलेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्रोमियम का है तो क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6 और इसके बाद फिर वही हम लोग करेंगे, यहाँ पर 3d5 कर देंगे और 3d5 के बाद में 4s1 कर लेंगे। तो 3d5 हो गया, 4s1 हो गया। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी को, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि भैया ऐसा करिए सर कि क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, तो क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब हुआ 1s2, यहां पर 2s2, यहां पर हो गया आपका 2p6, यहां पर हो गया आपका 3s2 और यहां पर हो गया आपका नेक्स्ट 3p6 हो गया। और उसके बाद 3+ लगाने हैं, तो इसका मतलब पहले तो एक निकाले फिर दो यहां से निकाले, यानी कि 3d पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा 3 और 4s पे लिखना पड़ेगा 0। तो ये कहने का तात्पर्य हमारा है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है पहले वही रिलीज कराइए, अदरवाइज आप गलती लगातार करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में सोचा है, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूँ, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर आपको पता है 25 होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर मैंने 25 लिख दिया। अब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन वही लिखूंगा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं 3d5 होता है, आपको पता है, डायरेक्ट लिख देता हूं, और 4s2, लेकिन 4s2 में पहले भरना है। अब अगर आपसे कोई कहता है मैंगनीज में आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरने, मैंगनीज डाई पॉजिटिव का लिखना है, तो बोले मैंगनीज डाई पॉजिटिव का लिखने के लिए सर कुछ नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से वही कन्फिग्रेशन 1s2 हो जाता है, 2p6 हो जाता है, 1s2 2s2 हो गया, 1s2 के बाद क्या आ जाएगा, 2s आपका 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3d5 हो जाएगा और लास्ट में 4s0 रह जाएगा। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सीख लेते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी आसानी रहेगी। इसी तरीके से मैंने आपको कॉपर का भी बताया, अभी कॉपर डाई पॉजिटिव का बताया, इसी तरीके से मैंने आपको जिंक डाई पॉजिटिव का बताया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखते हैं तो इनमें विशेष तौर से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस के कैसे लिखे जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको CUT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, JEE की प्रिपरेशन करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, JEE का जो अप्रैल में एग्जामिनेशन है इसमें अगर आपको केमिस्ट्री अपनी अप टू द मार्क करनी है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ध्यान देने हैं और CUT एग्जामिनेशन पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, तो फिर हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपकी तैयारी के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ PGT एग्जाम। ये इसमें जितने भी एग्जामिनेशन है वो चाहे हम लोग JEE की बात करें और चाहे ये हमारा जो PGT का है, इसके थ्रू ही हम लोग नीट की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, हम लोग CUET की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, तो इसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आकर के ज्वाइन करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए CUET 2024 एग्जामिनेशन। थैंक यू।